कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुनाफा नहीं देते पर हमारे जिंदगी को अमीर बना जाते हैं। हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टीच एंड स्वेयर में। आइए आज के वीडियो में हम वी नेक कॉलर विथ फ्रंट स्लिट कुर्ती का स्टिचिंग देखेंगे। इससे पहले कि स्टिचिंग शुरू करें, इसके कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मशीन पे और शुरू करते हैं कुर्ती का स्टिचिंग। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रंट स्लीव कुर्ती विथ वी नेक कॉलर का हम नेक का सबसे पहले कटिंग करेंगे। पहले फ्रंट हमने उठा लिया है और हमने कॉलर लगाने के लिए जो यहाँ पर ये हाफ इंच का मार्जिन दिया है, इसको छोड़ते हुए हमें अपने नेक का ब्रॉड लेना है। इस कॉलर के लिए हमें जो नॉर्मल आप ब्रॉड लेते हो अपने कुर्ती में, उससे 0.75 एक्स्ट्रा आपको लेना है। इस हाफ इंच को छोड़ते हुए हमें अपने नेक ब्रॉड का मेजरमेंट करना है। यहाँ पर हमने 3.75 ब्रॉड लिया है और नेक का जो हमने डेप्थ लिया है वो है 8.5 इंच। ध्यान रहे इस तरीके से आपको क्रॉस में लेना है, जहां आपने नेक का ब्रॉड लिया उस तरह यहां से मेजर टेप को रखेंगे और इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे। अरे जो हाफ इंच मार्जिन है इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे यहाँ पे और स्केल की सहायता से हम जहां हमारे नेक का लेंथ है वहां तक इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ हमें नोख नहीं बनाना है, तो यहाँ से चौक को रखते हुए हल्की सी गोलाई इस तरीके से हमें देके इस हाफ इंच मार्जिन तक इस तरीके से मिला देना है। आप चाहें तो जो हमने वी नेक बनाया है यहाँ पर भी क्वार्टर इंच का इस तरीके से गोलाई दे सकते हैं। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट में नेक का कटिंग हो चुका है, अब इसी तरीके से हमें बैक भी कटिंग करना है। तो जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था हाफ इंच, उसको हम बैक के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी को इस तरीके से रखते हुए मार्क कर लेना है। हमने हाफ इंच मार्जिन हटा लिया है और एक इंच गहराई देते हुए हम बैक नेक का कटिंग करेंगे। इस तरीके से मार्किंग करके और गोलाई दे देंगे। यहाँ पर नेक का सेंटर कर लेंगे। अब आते हैं स्लीव पे। तो कटिंग का वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जितना चौड़ाई हमने यहाँ पर रखा है आर्म होल के पास, उतना ही चौड़ाई हमने नीचे भी मोहरी के पास भी रखा है। बीच में हमें शेप देने के लिए एक कर्व स्केल का हम मदद लेंगे और इस तरीके से रखते हुए ताकि यहाँ पर हमारे एल्बो के पास ज्यादा लूज ना हो, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ मिलाना है बिल्कुल बराबर से और सेंटर में इस तरीके से शेप दे देना है और इसे कट कर लेना है ताकि सेंटर में हमारा स्लीव जो है ज्यादा लूज ना हो। जो हमें वी नेक कॉलर लगाना है, ये कुर्ती के एक साइड से हम शुरू करेंगे, बैक नेक होते हुए हम इस कॉलर को लगाएंगे। तो इस कॉलर का चौड़ाई हमने 1 इंच 1 पॉइंट तैयार करके रखा है। इसमें आप बुकरम का इस्तेमाल ना करें। मैंने यहां पर पेपर पेस्टिंग लगा लिया है अपने कुर्ती के लेंथ के हिसाब से, दोनों साइड फ्रंट का लेंथ कुर्ती का प्लस बैक नेक का
जो गोलाई होगा उसको लेते हुए आप पहले मेजर कर लीजिए, उसके बाद पट्टी काट लीजिए। अगर पट्टी कम पड़ती है तो आप ज्वाइंट भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोनों साइड के एज को हमने हाफ इंच इस तरीके से आयरन की सहायता से सेट कर लिया है, और दोनों साइड के मार्जिन को सेट करते हुए इस तरीके से सेंटर किया, और इस पट्टी को हमने डबल करके आयरन करके अच्छे से ये देख सकते हैं हमने पूरे लेंथ को सेट कर लिया है। ये काम आप स्टिचिंग शुरू करने से पहले कर लें ताकि आपको बीच में उठना न पड़े। चलिए अब स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट बैक का शोल्डर स्ट्रिप ज्वाइंट करेंगे। उल्टे सीधे का ध्यान रखना है। सीधा भाग फ्रंट बैक दोनों का अंदर की तरफ होना चाहिए, और इस तरीके से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए फ्रंट के दोनों पार्ट को अपने बैक साइड में ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने फ्रंट बैक का शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। जो हमें कॉलर लगाना है उसको बिल्कुल बराबर से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड इस तरीके से करेंगे ताकि हम अपने पूरे पट्टी का सेंटर कर पाए, और इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। ये मार्किंग हम दोनों साइड करेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस कॉलर को लगाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, जिसकी वजह से आप एक ही सिलाई में इस कॉलर को कंप्लीट कर पाएंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। जितना हमें दबाव लेना है अपने कुर्ती से, इस तरीके से जो हमने सेंटर किया है, अगर आप सीख रहे हैं तो पहले मार्किंग कर लें कुर्ती में कि आपको कितना दबाव लेना है, ताकि आपको स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमने सेंटर का कट दिया उसका सेंटर और अपने कॉलर का सेंटर इस तरीके से इसको हाफ इंच अंदर करेंगे कुर्ती के कपड़े को, और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो और सेंटर आउट ना हो। आप चाहें, आपके आसानी के लिए बता दूं, ये काम आप पूरे कुर्ती में कर सकते हैं। अगर लगे कि दिक्कत हो रहा है स्टिचिंग करने में तो आप पूरे में इस तरीके से सेट करके और पिन अप कर लें। जब ये शोल्डर स्ट्रिप के पास आएंगे तो जो भी ये सिलाई मार्जिन है हम बैक के साइड में इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम अपने कॉलर को यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे ताकि ये शोल्डर जो है फ्री रहे। अगर आपने सिलाई में ले लिया तो जब आप कुर्ती को वेयर करेंगे तो ये खिंचा खिंचा लगेगा कंधे के पास, इसलिए इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए तब स्टिचिंग कीजिए। ये हमारी पट्टी जो है बिल्कुल बराबर है, तो आप जिधर से आपको इजी लगता है आप स्टिचिंग शुरू कर सकते हैं। सिलने का तरीका ऐसे ही है कि आप दोनों पट्टियों के बीच में इस तरीके से हम अपने कुर्ती के कपड़े को अंदर करते जाएंगे। जितना भी मार्जिन लेना है आपने उतना इस तरीके से दोनों पट्टियों को अंदर करेंगे, और बीच में कुर्ती के कपड़े को इस तरीके से जितना दबाव लेना है लेते हुए हम सेट करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे मशीन रोक के, और सेट करते जाइए और इसे स्टिच करते जाइए। मैं एक साइड का कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद जब जहां से हमारा नेक का शेप दिया गया है वहां पे आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपको कितना दबाव लेना है। सिलाई आपको जहां से आसान लगता है शुरू कर सकते हैं, बैक के सेंटर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर तरीका है। सिलते समय ध्यान रखना है कि बराबर मार्जिन से इस पट्टी के अंदर हमारी कुर्ती का दबाव होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूर पे आराम आराम से आपको सेट करना है और स्टिच करना है।
और बिल्कुल किनारे पे हमें यहाँ सिलाई लगानी है। ये जो शोल्डर का दबाव है इसको इस तरीके से बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे, तब अपने पट्टी के अंदर रखेंगे इस तरीके से। जहां नेक का कटिंग हमने जहां से शेप दिया है वहां पे दबाव कम लेना है, यानी अगर आपने नीचे हाफ इंच का दबाव लेना लिया है तो यहां पर एक दो पॉइंट कम कर दें। और कुर्ती के कपड़े को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस में कटा है, उरेब में है, तो ये खींच जाएगा। जहां तक हमारे नेक का शेप था वहां पर हमने कम मार्जिन लिया। अब यहाँ पर जितना हमारा मार्किंग है उसके हिसाब से हमें हाफ इंच इस पट्टी के अंदर करते हुए अपने पूरे कॉलर को कंप्लीट करेंगे नीचे तक। ये देख सकते हैं ये हमारा मार्किंग है। इस मार्किंग को मैं इस पट्टी के पूरा अंदर तक इस तरीके से रख रही हूं। मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगी, ये देख सकते हैं ये है सीधा, ये पूरा नीचे तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कहीं भी बिल्कुल भी ना ही कुर्ती में और ना ही हमारे कॉलर में श्रिंक नहीं आया है। और अब उल्टे साइड से भी दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं इस तरीके से जब आप ये कॉलर बनाएंगे इस तरह का कुर्ती तो कहीं भी आपको कपड़े का रेशा नहीं नजर आएगा, या यूं कहूं कि सीधा उल्टा भी आपको पता नहीं चलेगा अगर आप कपड़ा न देखें तो। देखिए ये उल्टा है और ये सीधा है। जैसा हमने एक साइड कंप्लीट किया सेम उसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं दूसरे साइड का भी हम जहां से हमने नेक का शेप दिया था वहां तक हम आ गए हैं। यहां पर जो है दबाव कम कर देंगे, जो शोल्डर का ये जॉइंट है इस तरीके से हम बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारा कॉलर लग के रेडी है, कहीं से भी बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आया है। ये शोल्डर का जो हमने ये मार्जिन था बैक के साइड फोल्ड कर दिया, ये दोनों साइड का इस तरीके से। तो अब हम जब कुर्ती को पहनेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा और यहाँ पर फिनिशिंग से आएगा। यही अगर हमने दबाव में ले लिया होता इसको कॉलर के साथ तो ये इस तरीके से यहाँ पर खिंचा खिंचा दिखता और यहाँ कपड़े में झोल भी आ जाता। इस तरीके से हमने कॉलर रेडी कर लिया। इस कुर्ती में मेन फोकस जो था इस वी नेक कॉलर को लगाने का था, तो आपने देखा इस तरीके से हमारा कॉलर कितना फिनिशिंग से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये फ्रंट स्लिट बनाने वाले हैं तो नीचे से हम 10 इंच तो हमें ओपन रखना है, और इस चीज का ध्यान रखना है जब हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे इस तरीके से और स्टिच करेंगे तो लेफ्ट साइड का जो कॉलर है वो नीचे होना चाहिए और राइट हैंड साइड का ऊपर होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट को भी ऊपर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर अगर सही तरीका देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का नीचे रहेगा और राइट हैंड साइड का कॉलर ऊपर की तरफ रहेगा। उसके बाद जितना आपको नेक ओपन का हमने मार्किंग किया था 8.5 हाफ इंच सिलाई में चला गया है तो हम 8 इंच पे इस तरीके से मार्क करते हुए इस तरीके से हम यहां से
जितना हमने स्लिट ओपन रखना है उतने पे मार्क कर लेंगे और इसको इस तरीके से ओवरलैप करते हुए हम पूरा बंद कर लेंगे। उसके बाद जितना आपका फिटिंग है अपने हिसाब से इस कुर्ती का फिटिंग कर लीजिए। नीचे का ये दामन फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हाफ इंच करेंगे, फिर इसको डबल कर लेंगे और दामन को भी रेडी कर लेंगे, यानी घेरे के पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। आइए अब आपको एक स्लीव डिजाइन, इसी में एक बहुत ही जल्दी बनने वाला स्लीव डिजाइन है ये, देख सकते हैं हमारा स्लीव जो है, ये हमने नीचे लेंथ कम पड़ रहा था तो हमने पट्टी ज्वाइंट कर लिया है। इस पट्टी का जो चौड़ाई है आप अपनी स्वेच्छा अनुसार, पसंद अनुसार जितना चौड़ा चाहें फोल्ड कर सकते। मेरा टोटल जो पट्टी का चौड़ाई था वो 5 इंच था, यहां पर ये फोल्ड होके, डबल फोल्ड होके ये 2 इंच मार्जिन माइनस करने के बाद हो गया है। जो हमने फोल्ड किया है यहाँ पर पट्टी, यहाँ पर हमें 1/2 इंच चौड़ाई का या 1/4 इंच चौड़ाई का, जितना आपका इलास्टिक चौड़ा है, यहाँ पतला ही इलास्टिक डालना है। एक तो 1/4 इंच का आता है, एक 1/2 इंच का, मेरा जो इलास्टिक है 1/2 इंच का है, तो मैं उस इलास्टिक से 1 पॉइंट ज्यादा लेते हुए, यानी 1/2 इंच 1 पॉइंट ज्यादा इस तरीके से मार्क करूंगी और पूरे में ये जो हमने पट्टी ज्वाइंट किया है उससे 1/2 इंच ऊपर एक और सिलाई दे देंगे और इसी के अंदर इसमें इलास्टिक लगाने का जो मेजरमेंट है एकदम फिक्स, आप अपने मोहरी का नाप लीजिए, जितना आपका मोहरी आता है बिल्कुल उतना ही फिक्स हमें इलास्टिक लेना होगा। मेरा मोहरी 10 इंच है तो हमने 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरीके से 11 इंच का इलास्टिक कट कर लिया है। पहले इसको सिलाई करती हूँ फिर आपको इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। ये देख सकते हैं इतना गैप देते हुए अपने इलास्टिक से 1 पॉइंट ज्यादा पूरे मोहरी में हमने स्टिच कर लिया। एक सेफ्टी पिन उठाएंगे और इलास्टिक में इसको सेफ्टी पिन की सहायता से ये जो हमने गैप छोड़ा उसमें लगा देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है कि इलास्टिक सेंटर में कहीं मुड़ न जाए, आप इसे चेक करते रहें और लगाते रहें इस तरीके से। कुछ दूर आने के बाद इस साइड को बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें यहाँ स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक यहाँ पे फिक्स हो जाए। ये इलास्टिक हमने यहाँ पे स्टिच करके फिक्स कर लिया, अभी अपनी जगह से हिलेगा नहीं और हम आराम से इलास्टिक पूरे मोहरी में लगा पाएंगे। इलास्टिक को हमने दूसरे साइड निकाल लिया है, बिल्कुल इस मोहरी के बराबर करते हुए यहाँ पर भी हम इसे लॉक कर देंगे। दोनों साइड लॉक करने के बाद हम इस तरीके से ये हमने स्टिच कर लिया है। एक सिलाई कम मार्जिन लेके हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है और इस तरीके से जब आप खींच देंगे तो ये गैदर्स जो है बिल्कुल बराबर से आ जाएंगे, ये देख सकते हैं। और बहुत ही झटपट से बनने वाला ये स्लीव डिजाइन है, जब पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आने वाला है इस तरीके से। चलिए मैं कुर्ती का फिटिंग करती हूँ, नीचे से दामन फोल्ड करती हूँ। स्लीव ज्वाइंट करने का तरीका सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। सेंटर कट से अपने कुर्ती का सेंटर कट मिलाएंगे और ज्वाइंट कर लेंगे। मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडिल, प्रेशर कोट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, आप वहां से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं
तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।